अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज ने देश भर में ट्रंप के ट्रैवल बैन पर अस्थायी रोक लगा दी है, तो वहीं एक सर्वे में 52% अमेरिकी लोगों ने ट्रंप के बजाय बराक ओबामा के एक बार फिर राष्ट्रपति बनने पर इच्छा जताई है। दरअसल अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स रॉबर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों और इमिग्रेट्स पर लगाए गए बैन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। जज ने यह रोक अमेरिकी राज्यों वाशिंगटन और मिनेसोटा की ओर से शासकीय आदेश पर देश भर में रोक लगाने के लिए की गई अपील के बाद लगाई है। जज जेम्स रॉबर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यों का रुख ट्रंप के आदेश के प्रति चुनौतीपूर्ण था। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान, इराक, सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया और यमन से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगाई है। हालांकि इस फैसले के पीछे व्हाइट हाउस ने अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा का हवाला दिया है। वहीं एक दूसरी दिलचस्प खबर आ रही है कि एक सर्वे में 52% अमेरिकी लोगों ने ट्रंप की जगह बराक ओबामा के फिर से राष्ट्रपति पद संभालने की इच्छा जताई है। सर्वे के मुताबिक करीब 40% लोग चाहते हैं कि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया जाए। इसके साथ ही ट्रंप के ट्रैवल बैन के आदेश पर 47% लोग ट्रंप का समर्थन करते हैं, तो वहीं 49% लोग इसके विरोध में हैं। तो लगातार अपने फैसलों से चर्चा बटोर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ट्रैवल बैन पर एक तरफ ट्रंप आलोचनाओं से घिरे हैं, तो वहीं सर्वे में ओबामा से हार मिली है। देखते रहिए डीबी लाइव।